अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल जी एन स्टडी। होप आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और आप लोगों के मिड्स बहुत अच्छे हो रहे होंगे। मैथ 302 के हमने एक्सेल के पार्ट एक मैंने बनाया था और एक्सेल का पार्ट टू बना रही हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों को फार्मूलाज की समझ नहीं आ रही कि हमने फार्मूलाज जो हैं वो पेपर में कैसे टाइप करने हैं, क्योंकि जो आपका मैथ का पेपर है उसमें आपके पास मैट्रिसेस हैं और काफ़ी फ्रैक्शनल पार्ट भी हैं। तो हम लोग सिंपल तो 1, 2, 3 जो हैं वो टाइप कर सकते हैं एक्सेल में, और सम वगैरह कैसे करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो हमारे पास जो होता है मैथ 302 में दो सॉफ्टवेयर हमें अलाउ किए जाते हैं, एक एक्सेल होता है और एक होता है मैथ टाइप। तो मैथ टाइप जो है उसको भी कुछ बच्चे लोग को लगता है कि वो बहुत मुश्किल है, लेकिन वो बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। जितना आप लोगों ने यूज़ करना है, आप लोगों के लिए जितना जानना ज़रूरी है उतना बहुत आसान है। तो ये वाली वीडियो तो मैं एक्सेल पार्ट पे बना रही हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैथ 302 की मैथ सॉफ्टवेयर में भी बनाऊँ तो मुझे मैथ टाइप में भी बताऊँ कि मैथ टाइप में कैसे यूज़ करना है, तो भी मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं मैथ टाइप का भी वीडियो बना दूँगी। तो बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। हम लोगों ने देखना है कि हम मैट्रिसेस जो हैं वो कैसे टाइप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने एक्सेल ओपन करना है और इंसर्ट ऑप्शन में जाएंगे। इंसर्ट ऑप्शन में जाके आपको ये लास्ट पे नज़र आ रहा है इक्वेशंस, ठीक है, एक मिनट, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास बहुत सारी इक्वेशंस भी आ रही हैं और एंड पे लिखा हुआ है मैट्रिक्स, ठीक है। और वो कह रहे हैं ऐड अ मैट्रिक्स टू द इक्वेशन। अगर आप लोगों ने किसी भी इक्वेशन के ऊपर मैट्रिक्स अप्लाई करना है तो आप लोग इसको क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा आपने अगर कोई फ्रैक्शन लिखनी है तो भी आप यहां से क्लिक कर सकते हैं। एक्सपोनेंट, स्क्रिप्ट, रेडिकल, इंटीग्रल, ये सारा जो भी आप लोगों का मैथ में यूज़ होता है। ब्रैकेट्स भी हैं डिफरेंट और यहाँ पर सिम्बल हमें दिए हुए हैं, कौन कौन से सिम्बल हैं। नीचे करते जाएँ तो हमारे पास डिफरेंट अल्फ़ा, बीटा और सारे साइन थीटा के सारे हमारे पास सिम्बल भी मौजूद हैं। उसके अलावा ये प्रोफेशनल और लीनियर, ये जो इंक टूल हैं ये हमारे पास नहीं है, क्योंकि मैथ 302 में नहीं है, हमारे पास इतना ज़्यादा काम नहीं है इसका। और यहाँ पे कुछ पहले से ही फार्मूलाज लिखे हुए हैं, तो अगर तो किसी का मैथ 302 के अलावा कोई पेपर है तो वो लोग यहाँ से भी फार्मूले जो हैं वो लिख सकते हैं और उसके अंदर अपना जो चीज़ है वो टाइप कर सकते हैं। तो हम लोगों ने मैट्रिक्स बनानी है, मैट्रिक्स के लिए हम यहाँ से मैट्रिक्स को क्लिक करेंगे और ये देख पूछ रहे हैं आपने दो रो की बनानी है, दो कॉलम्स की बनानी है, तीन या तीन कॉलम्स, जितने आपने बनाने हैं वो उतनी ही आपको पूछ रहा है कि कितनी बड़ी आपने मैट्रिक्स बनाना है। तो सबसे पहले मैं ये वाला मैट्रिक्स ले लेती हूँ, या जो जिस बॉक्स पर आप क्लिक करेंगे उसमें आप जो भी है डिजिट वो दबाएंगे तो वो आपके पास आ जाएगा। लाइक मैं जिसमें क्लिक करती हूँ उसमें, और मैं नंबर प्रेस करती जा रही हूँ तो वो मेरे पास नंबर लिखे आए जा रहे हैं। ये हमारे पास मैट्रिक्स बन गई है, एक मिनट, ठीक है, ये हमारी एक मैट्रिक्स है। और आप लोगों ने इसको यहीं से कॉपी करके, तो आप लोगों ने मैथ जो सॉफ्टवेयर है आपका वहाँ पे जाके पेस्ट कर देना है, ठीक है। एक हमने ये बनाई है और अगर एक और देखें मैट्रिक्स देखें अपने पास, तो हमारे पास डिफरेंट ये ब्रैकेट्स भी हैं, ठीक है, मैट्रिक्स में ब्रैकेट्स भी हैं और इस तरह की आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हैं, डॉट्स वाली मैट्रिक्स भी हैं, स्केयर मैट्रिक्स हैं, डिफरेंट जो है हमें प्रोवाइड की गई है। अब ये जो है इसमें इन्होंने हमें मैट्रिक्स में वो भी दिया है, एक मिनट, इसको डिलीट, इसको छोड़ के यहाँ बना लेते हैं। इसमें हमें इन्होंने ब्रैकेट्स भी दिए हैं, ये वाली जो मैट्रिक्स है, ठीक है, इसमें साइड में ब्रैकेट्स भी आ रही हैं। तो जिसमें आपने नंबर क्लिक करना है वो नंबर आप यहाँ लिखें, पूरा जो पेपर है वो बेशक से यहाँ पे सॉल्व करें और एंड पे जाके यहाँ से कॉपी करके सीधा आप लोग LMS पहले जो आपका इंटरफेस है उस पे जाके पेस्ट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे इसका जो है वो भी आ गया, ब्रैकेट्स भी आ गई हैं इधर, हम इसको अगर पेस्ट कर दें तो ये यहाँ पे पेस्ट भी हो जाएगा। यहीं तक था, मैंने आपको बता दी मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं। अगर आपको और भी कुछ पूछना हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसकी भी वीडियो रिकॉर्ड करके आपको बता दूंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। टिल देन अल्लाह हाफिज़।